अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। तो आज है चांदरा, जैसा कि आपको पता चल गया होगा ईद का चांद नज़र आ गया। सो मैं एकदम नहा के रेडी हो गया हूँ और अभी निकलने लगे हैं कुछ शॉपिंग के लिए। मैंने अपने जूती लेनी थी, ईद वाले शूज़ रहते हैं जो कि शायद मे भी मैं खेद ही लूँ। तो अभी इफ्तारी के बाद का ही टाइम है क्योंकि चांद नज़र आ गया, जारी बात इफ्तारी के बाद का ही टाइम होगा। तो अभी फ़िलहाल मैं और मेरा कज़न निकलने लगे हैं और आज मैंने ये ब्लैक कुर्ता साथ में ये वाइट ट्राउज़र पहना है। तो फिलहाल क्या निकल तो यहाँ पे मैं एक खेड़ी पसंद आई थी लेकिन उसमें बिल्कुल भी साइज नहीं मिल रहा था। तो अब हम जा रहे हैं दूसरी शॉप की तरफ। तो हमें यहाँ पे लगी थी भूख, यहाँ से हमने खाए डोनर जो कि फैसलाबाद में रहते हैं, उन्हें तो लाजमी पता होना डोनर्स का। तो मुझे आते हुए घर से फ़ोन आया है कि आते हुए शवारमा लेके आना, तो मैं यहाँ से रास्ते से रुक के शवारमा लेने लग गया। तो टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। सो गाइस, ये गाड़ी हम खड़ी कर रहे हैं, दूसरे वाली लेके गया था मैं अपनी ब्लैक वाली। ये हमारा जो दूसरे वाला घर है जो हमने रेंट पे दिया हुआ है, उसमें ये गैराज खाली था तो ये वाली गाड़ी हम यहाँ पे खड़ी करते हैं। तो गाइस, ये गाड़ी हमने कर दी है यहाँ पे खड़ी। तो बाज़ार से भी हम वापस आ गए और भाई इसको मैं दूसरी ही गाड़ी समझता हूँ, तो मैं इसको पावर वाला बटन प्रेस करके ऑफ करता हूँ, लेकिन ये की वाली अब भूल ही जाता हूँ हमेशा। तो ये गाड़ी भी होगी, लोग चलते हैं घर। शूज़ ये मेरे आगे हैं, शू मेकर कोई सुसा रोड पे थी शॉप है, शूज़ ही आगे। तो हम आपको ये दिखाते हैं, ये देखें, ये कुछ इस तरह के हैं। ये देखो, ये मैंने उधर देखा ही नहीं, ये कुछ ऐसे लगा हुआ, पर खैर चलो कोई नहीं। ये कुछ इस तरह के हैं, इस तरह के। तो ये मैंने लेने थे, ये मैंने ले लिए। कस्टर्ड बनाया था, इसको हम निकालते हैं और ये ऐसे इसमें डालते हैं, ये बाहर दे के आना है पापा और पापा के दोस्त को। ये सबसे छोटे वाला बाउल था ना, हमने कहा इसमें से डाल लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा ठंडा हुआ है, बाकी अभी गर्म है। तो ये इसमें भी डाल के, तो ठीक हो गया जी, ऐसे हम डाल लेते हैं। ये देखें डाल लिया, अब इसके ऊपर केक डाल के, केक अंदर पड़ा हुआ है वो दिखाता हूँ आपको, हमारा कस्टर्ड। ये हम देने जा रहे हैं बाहर, हम देख के आते हैं। हम क्या मतलब, मैं ये सब की ये थी कपड़े, इसमें से एक दुपट्टा निकाल के, पता नहीं क्या ओवल ओक शोवल ओक करवा के, नहीं ये दुपट्टा है, इसको हम निकाल लेते हैं। हाँ हाँ, ये फंस गया था, इसको पीको करवाना है, चलते हैं पीको करवाने। तो कोई शॉपर शॉपर 5 रुपये वाले बटन ऐसे मोह नहीं लेना, नहीं बस ठीक है ओके। चलो इधर ही साफ कर देना, फिर उन्होंने इस्त्री करना दवा। तो गाइस, सूट भी मेरा आ गया है दर्जी के पास से, तो सूट को रखते हैं इधर। इसको मैं निकाल के ट्राई कर लूँ, ट्राई करके फिर उसको इस्त्री करने के लिए दे के आते हैं। बस इसने यहाँ पे पता नहीं आयरन ज़्यादा कर दिया, थोड़ा सा ये निशान आ गया। खैर देखता हूँ इसको पहन के मैं। चलो शुक्र है मेरा सूट स्टिच हो गया। ये देखें, ऐसे इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई या फिट वाली बटन लग गए हैं, सूट डन हो गया है। मोबाइल भी गिर गया नीचे। तो ये सूट एकदम परफेक्ट, बिल्कुल सही फिटिंग में आई है, वो वाला नहीं है, ये दूसरा है। तो सूट बहुत परफेक्ट फिटिंग में आया, अब उसको आयरन होने के लिए दे के आते हैं कि अच्छा सा आयरन हो जाए। और बस फिर कुछ भी नहीं, बस वेले